लोगों ने मुझे शादियों पर बुलाना छोड़ दिया, कहते हैं कि ये दुल्हन को तरसती निगाहों से देखता है। So guys, कैसे रहे हो आप लोग? मस्त हो। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप कॉमेडी वीडियोस कैसे बना सकते हो, वो भी रील्स के लिए। जी हाँ, आपने रील्स पे बहुत सारी वीडियोस ऐसी देखी होंगी जो सिर्फ और सिर्फ 15 सेकंड्स की होती हैं या फिर एक मिनट की होती हैं। उनमें प्रॉपर जो है वो बैकग्राउंड म्यूजिक लगा होता है, प्रॉपर हंसने वाला म्यूजिक लगा होता है, प्रॉपर थोड़ा सा चौंकने वाला साउंड इफेक्ट लगा होता है। इस तरीके की वीडियो आप कैसे बना सकते हो, ठीक है? नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको प्रीव्यू दिखा दे रहा हूँ किस टाइप की वीडियोस आज हम एडिट करने वाले हैं। तो सबसे पहले प्रीव्यू देखो। क्या अर्थ किया है? अरे रुको रुको रुको, हम उसके प्यार में इस कदर चोट खाए हुए हैं। कल उसके बाप ने मारा, आज उसके भाई आया हुए हैं। तो कुछ इस तरीके की वीडियो आज हम एडिट करने वाले हैं, तो सब कुछ लगा के दिखाने वाला हूँ सिर्फ और सिर्फ मोबाइल फोन से। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहो, जिससे आपको हर एक चीज अच्छे से मैं समझा सकूं और अच्छे से बता सकूं। तो यार वीडियो को पूरा एंड तक देखना, जिससे आपको हर एक चीज अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं स्टार्ट। बढ़िया, आगे बढ़ने से पहले तुम्हारा भाई तुमसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता है कि चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि तुम्हारा भाई ऐसी वीडियोस लेकर आता रहता है इस चैनल पे, जिससे आपको सबसे पहले देखने को मिल जाएगी। तो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। यहाँ मैं आज को अपने मोबाइल की स्क्रीन पे, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले काइन मास्टर एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है किसी भी कॉमेडी वीडियो बनाने के लिए, अगर आप फोन से बना रहे हो, ठीक है? तो यहाँ पे हमने काइन मास्टर को ओपन कर लिया। आपको ये न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे ये फर्स्ट रेशियो अगर आप यूट्यूब के लिए बना रहे हो, और अगर आप मतलब कि रील्स या शॉर्ट्स के लिए बना रहे हो, तो आपको सेकंड रेशियो सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे हम रील्स के लिए बनाए, तो हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्रिएट पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपके सामने सारे के सारे वीडियो, सारे के सारे फोटोज आ जाएंगे। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, सिंपल से आपने उस वीडियो को जो आपने शूट करी है उस वीडियो को यहाँ पे इम्पोर्ट कर लेना है, ठीक है? तो यहाँ पे हम कर लेंगे उस वीडियो को इम्पोर्ट। अगर आपको टॉपिक नहीं मिल रहा है कि क्या जोक मारे हम, क्या कुछ करें, तो वो भी मैं बताने वाला हूँ लास्ट में वीडियो के, तो देखते रहो। तो यहाँ पे हमने वीडियो को इम्पोर्ट कर लिया है। अब सबसे पहले मैं बोलना यहाँ से थोड़ा सा आगे से स्टार्ट करता हूँ, कुछ इस तरीके से, ये यहाँ से। तो आपको करना क्या, सिंपल से कैंची के ऑप्शन पे क्लिक करना है और जो फालतू का भाग है यहाँ से आप कट कर सकते हो। तो मैं समझा देता हूँ क्या क्या काम है इसमें। ऊपर वाले से आप बाएं तरफ का कट कर सकते हो, राइट साइड का आप जो है वो कट कर सकते हो, नीचे वाले से, फिर बीच वाले से स्प्लिट कर सकते हो, और स्प्लिट एंड फ्रीज, जो स्प्लिट करोगे उसका एक फोटो निकल के बीच में लग जाएगा, तो इसी का नाम है स्प्लिट एंड इंसर्ट फ्रीज। तो अब यहाँ पे हम सबसे पहले बाएं तरफ से कट करना है, तो हमें कट कर दिया इसको बाएं तरफ से जो भी फालतू का भाग है, ठीक है? यहाँ से हमने कट कर दिया। अब आगे देखते हैं कि हमारा कहाँ खत्म होता है, ठीक है? यहाँ पे हमारा कट हो चुका है ये कुछ इस तरीके से। अब यहीं पे हमारा टॉपिक खत्म होता है। तो सिंपल से हमको करना क्या, सबसे पहले इधर कैची पे जाना है और यहाँ से ट्रिम टू राइट कर देना है प्लेड। उसके बाद यहाँ पे हमारा काम हो चुका है। अब आपको करना क्या, सबसे पहले अपने साउंड पे क्लिक करके, मिक्सर पे क्लिक करके, मतलब अपने लेयर पे क्लिक करना है, मिक्सर पे क्लिक करना है, इसको पूरा फुल कर देना है, ठीक है? अब यहाँ पे आपका साउंड तो ठीक ठाक हो गया। अब यहाँ पे हम ऐड करेंगे सबसे पहले इसके अंदर एक प्राइमरी जो है वो बैकग्राउंड म्यूजिक, जो कि होना ही चाहिए किसी भी कॉमेडी वीडियो में। तो अब आपको करना क्या, सिंपल से ऑडियो पे चले जाना है और यहाँ पे आपको सॉन्ग्स पे क्लिक करके, ठीक है, अपने लोकल फाइल में से कोई सा भी एक बैकग्राउंड म्यूजिक ले लेना है, या फिर मैं आपको बता दूंगा कि कौन सा डाउनलोड करना है आपको, ठीक है? तो वीडियो को देखते रहो। अब यहाँ पे हमने कुछ इस तरीके से एक इंपोर्ट कर लेना है, तो चलिए मैं जल्दी से इंपोर्ट कर लेता हूँ। सो गाइस, यहाँ पे हमने साउंड को ढूंढ लिया और यहाँ पे हम साउंड पे क्लिक करके यहाँ से प्लस वाले आइकन पे करके इसको इंपोर्ट कर लेंगे कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे हमारा साउंड आ चुका है। तो आपको सबसे पहले अपनी वीडियो को देखना कि आपका वीडियो किस टॉपिक पे है। तो हमने दोस्त जो है वो हमारा टॉपिक ये है कि हम सैड बातें करके लास्ट में कुछ ऐसी बातें करेंगे जिससे लोगों को हंसी आएगी, तो इसीलिए मैंने सैड वाला पहले बैकग्राउंड म्यूजिक लगा दिया है, उसके बाद हम हंसने वाला साउंड लगाएंगे, ठीक है? तो यहाँ पे आपको करना क्या, सबसे पहले मैंने यहाँ पे साउंड कुछ इस तरीके से इंपोर्ट करना है। आपको भी अपनी वीडियो में अपनी वीडियो के सिचुएशन के हिसाब से बैकग्राउंड म्यूजिक डाउनलोड करना है। यूट्यूब पे सर्च कर लोगे, बहुत सारे बैकग्राउंड म्यूजिक आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपको सिंपल से सर्च कर लेना है, मैंने ये लगा दिया एक सैड, दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो। साला हम मिडिल क्लास लोगों की जिंदगी, कुछ इस तरीके से हमारा ये है। अब हमको करना क्या, सबसे पहले अपने बैकग्राउंड म्यूजिक पे क्लिक करना है, मिक्सर पे जाना है और यहाँ पे इसके साउंड को 50% कर देना है, ठीक है? 50-45% कर देना। उसके बाद यहाँ पे हम प्ले करेंगे, फिर से आपको दिखाते हैं, देखो। साला हम मिडिल क्लास लोगों की जिंदगी कोई जिंदगी है? जूता लेने जाओ तो कपड़े फट जाते। सो कुछ इस तरीके से मैंने बोला, ये डायलॉग आपने पहले भी सुना होगा, ये जोक आपने पहले भी सुना होगा, बस यही कॉपी करके मैंने आपको सिखाने के लिए ये वीडियो बनाया, ठीक है? तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से मैंने बैकग्राउंड म्यूजिक लगा लिया है। अब यहाँ पे हम एंड में जाएंगे, क्योंकि जहाँ तक हमारा ये सब इमोशनल वाला सीन चलेगा तब तक ये बैकग्राउंड म्यूजिक रहेगा, ठीक है? ये चीज़ नोटिस करना है आपको अपने हिसाब से। तो यहाँ पे हमारा ये बैकग्राउंड म्यूजिक हो चुका है। तो यहाँ पे हमने बैकग्राउंड म्यूजिक कुछ इस तरीके से ऐड कर दिया, मेथड यही रहेगा वीडियो कोई सी भी हो, ठीक है? तो यहाँ पे हमारा कुछ इस तरीके से ये अभी चल रहा है, देखो। साला सब एक साथ लेने जाओ
अभी भी यही साला चला। लेने जाओ तो गांठ फट जाती है। सो यहाँ पे जहाँ पे ये मैं लास्ट वाली बात बोलता हूँ, यहीं पे आपको करना क्या है, सिंपल से आपको यहाँ पे हंसने वाला साउंड लगाना है। तो उसके लिए आपको फिर से ऑडियो पे जाना है, सॉन्ग्स पे जाना है, और यहाँ पे आपको ऑडियो सेलेक्ट कर लेना है। डाउनलोड कहाँ से करना है दोस्तों, मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि मैं आपको लास्ट में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहो, ठीक है। और लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दो। तो चलिए अब मैं आपको साउंड वो मैं ढूंढ लेता हूँ। तो गाइस यहाँ पे हमने साउंड को ढूंढ लिया, ये रहा हमारा साउंड, इसको हम लगाने वाले हैं। तो आपको साउंड को सेलेक्ट करना है, प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके कुछ इस तरीके से इंपोर्ट कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको जब आपका इंपोर्ट हो जाए तो यहाँ पे आप इसको मैनेज भी कर सकते हो, एडजस्टमेंट जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको एडजस्टमेंट कैसे करोगे, आप इस तरीके से प्रेस करके रखोगे ना साउंड को, तो ये मूव होने लगता है। आप यहाँ पे खिसका के कहीं से भी सेट कर सकते हो। तो यहाँ पे हम सेट करने वाले हैं अपने वीडियो के अकॉर्डिंग, देख सकते हो कुछ इस तरीके से हमारा वीडियो है। अब यहाँ पे हम इसको सेट करने वाले हैं, हमारा सेट हो चुका है अच्छे तरीके से। अब मैं आपको वीडियो प्ले करके दिखाने वाला हूँ कि हमारा वीडियो कैसा बना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं प्ले करता हूँ और आप एक बार देख लो। सो यहाँ से हमारा इमोशनल जो है वो साउंड इफेक्ट खत्म होता है, जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो खत्म होता है, उसके बाद हमारा ये फनी साउंड आता है। तो मैं प्ले करता हूँ, आपको दिखाता हूँ, तो देखो। जाओ तो गांठ फट जाती है। सो अभी हम इस साउंड को प्रेस करके थोड़ा सा और आगे करेंगे, ठीक है, अपने वीडियो के हिसाब से। देखो तो गांठ फट जाती है। तो कुछ इस तरीके से आप साउंड ऐड कर सकते हो, ठीक है। आपको एक वीडियो मैं दूंगा जिसमें सारे साउंड इफेक्ट होंगे, आप उसको MP3 में डाउनलोड कर लेना, ठीक है, यूट्यूब से, और आप उसे यहीं से इंपोर्ट कर करके अपने वीडियो में लगाते जाना, ठीक है। कुछ करना नहीं है, यहीं से लगाते जाना। जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ पे मैंने वीडियो कुछ इस तरीके से इंपोर्ट करी, उसके बाद यहाँ पे मैंने बैकग्राउंड म्यूजिक लगाया, ठीक है, पूरे बैकग्राउंड म्यूजिक में चलता रहा, ठीक है। अब इसमें साउंड इफेक्ट का खेल है, ठीक है। अब यहाँ पे हम कुछ इस तरीके से करेंगे, चाहो तो आप यहाँ से वीडियो को थोड़ा सा इस तरीके से करके यहाँ पे कैंची पे जाके बीच से स्प्लिट करके इसको फिल्टर मार सकते हो, ठीक है। कुछ इस तरीके से ऊपर की तरफ करो, यहाँ पे जाओ इधर, और यहाँ पे मोनो पे सेलेक्ट करके कोई सा भी है कुछ इस तरीके से दे सकते हो, ठीक है। और इसको स्लो मोशन में भी आप कर सकते हो, तो थोड़ा ज़्यादा प्रोफेशनल लगेगा। तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ से स्लो मोशन कर दो तो ज़्यादा प्रोफेशनल लगेगा। मैं वीडियो प्ले करता हूँ और आप एक बार देखो, देखो कुछ इस तरीके। तो गांठ फट जाती है। तो कुछ इस तरीके से हमारा वीडियो कंप्लीट हो चुका है। तो आप कुछ इस तरीके से बना सकते हो। आपको बस एक चीज़ पे फोकस करना है कि साउंड इफेक्ट सही जगह पे इंपोर्ट करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे चलिए मैं आपको बता देता हूँ, एडिट तो हमारा हो चुका है, आप कुछ इस तरीके से देख सकते हो हमारा वीडियो। मैं प्ले करता हूँ, फिर से देखो एक बार। साला हम मिडिल क्लास लोगों की जिंदगी कोई जिंदगी है? जूता लेने जाओ तो कपड़े फट जाते हैं, कपड़ा लेने जाओ तो चप्पल टूट जाता है, चप्पल लेने जाओ तो बनियान फट जाती है, बनियान लेने जाओ तो अंडरवियर फट जाती है, और साला सब एक साथ लेने जाओ तो गांठ फट जाती है। तो कुछ इस तरीके से हमारी वीडियो है, आई होप आपको पसंद आई होगी। बस साउंड इफेक्ट का खेल है मेरे भाई, साउंड इफेक्ट। अब साउंड इफेक्ट कहाँ से डाउनलोड करना है और आपको टॉपिक कहाँ से मिलेगा, चलिए वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे इस पर क्लिक करके एरो पे इसको सेव कर लो, वीडियो बनानी तो आपको आ गई। अब साउंड इफेक्ट और टॉपिक कहाँ से मिलेगा, चलिए वो बताता हूँ। तो गाइस टॉपिक के लिए आपको करना क्या है, सिंपल से आपको अपने गूगल पे चले आना। गूगल पे आने के बाद सिंपल से आपको यहाँ पे सर्च करना है हिंदी जोक्स। हिंदी जोक्स जैसे ही सर्च करोगे यहाँ पे आपके सामने बहुत सारे इमेजेस भी आ जाएंगे, यहाँ से भी आप ले सकते हो। सिंपल से आपको इमेजेस पे क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे ही इमेजेस पे क्लिक करोगे यहाँ से पढ़ के आपको बहुत सारे जोक्स मिल जाएंगे, जिसके ऊपर आप सिंपल से कैरेक्टर को चेंज करना है। जैसे पति पत्नी से बोली तो ये भी एक कैरेक्टर है। आप अगर आपके पास दो पार्टनर है लेडीज में तो आप ये भी बना सकते हो, या फिर ये बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। पप्पू वाला मिल जाएगा, मोटू पतलू मिल जाएगा, बहुत सारे ऐसे जो है वो यहाँ पे आपको टॉपिक मिल जाएंगे जिससे फाइंड करके आप जो है वो बना सकते हो। यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे सब्जी वाले का भी है, बहुत सारे आप पढ़ सकते हो। यहाँ पे हस्बैंड वाइफ का भी है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का भी है, तो बहुत सारे मिल जाएंगे। आप समझदार हो, खुद ही समझ जाओगे। अब यहाँ से दूसरा मेथड आपको बताता हूँ टॉपिक फाइंड करने के लिए। आपको पीछे चले आना है और यहाँ पे हिंदी जोक्स जो आपने सर्च किया कुछ इस तरीके से नाम लिख के भी सर्च कर सकते हो। और यहाँ पे जैसे ही आप सर्च करोगे नीचे की तरफ आपको बहुत सारे वेबसाइट मिल जाएंगे, जिस पे क्लिक करके आप यहाँ पे आ सकते हो। और यहाँ पे आपको नीचे की तरफ बहुत सारे जो है वो मिल जाएंगे, जैसे कि पप्पू जलेबी बेच रहा था, तो पप्पू की जगह पे आप खड़े हो जाओ और आप एक कैरेक्टर हो गए, ठीक है। तो राहगीर चल रहे थे तो वहाँ पे दो बंदों का काम है, तो यहाँ पे आप बना सकते हो, ठीक है। आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करो, आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, जैसे कि वकील बन के आप कर सकते हो, ठीक है, बहुत सारे हैं, आप पढ़ सकते हो यहाँ पे आके। तो यहाँ से आपको टॉपिक मिल गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको साउंड इफेक्ट कहाँ से डाउनलोड करने हैं, ठीक है। तो टॉपिक तो मैंने बता दिया, कॉमेडी के लिए आप टाइप कर सकते हो जिस टाइप
कि आप कॉमेडी बनाना चाहते हो, बस आपको वही टाइप यहाँ पे सर्च कर लेना है, बस वो टाइप आ जाएगा और आपको सिंपल से यहाँ से टॉपिक मिल गया। अब बस आपको रिकॉर्ड करना है, तो कैमरे से रिकॉर्ड तो कोई भी कर सकता है, मेन होता है एडिटिंग मैंने आपको पहले ही बता दिया और टॉपिक यहाँ से बता दिया। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आपको साउंड इफेक्ट कहाँ से डाउनलोड करना है। सो गाइस यहाँ पे मैं आ चुका हूँ अपने यूट्यूब के अंदर, आपको भी आ जाना है अपने फटाक से यूट्यूब के अंदर, और यहाँ पे आपको सिंपल से सर्च बार दिख जाएगा, सर्च पे आपको क्लिक करके यहाँ पे सर्च करना है फनी साउंड इफेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे आपको सिंपल से क्लिक कर देना है, और जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे आपको बहुत सारे फाइल मिल जाएंगे यहाँ पे, जिसमें देख सकते हो सेकंड वाले में यहाँ पे 63 फनी साउंड, 50 फनी साउंड आपको मिल जाते हैं। नीचे आपको ऐसे प्ले कर करके सबसे पहले देख लेना है, ठीक है। तो यहाँ से आपको जो है वो एक जो आपको अच्छा लगे, जिसमें सारे के सारे साउंड हो, जो भी आपको अच्छा लगे यहाँ से आप साउंड इफेक्ट ले सकते हो। अब आपको डाउनलोड कैसे करना है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला 50 फनी साउंड, आप इसको भी डाउनलोड कर सकते हो, देख सकते हो। तो यहाँ से देख सकते हो, यहाँ पे आपको सारे के सारे फनी साउंड मिल जाएंगे, जैसे कि देख सकते हो, जैसे आप सपना अपना सोचते हो तो ये वाला लगा देना है आपको, बहुत सारे मिल जाएंगे, इतने समझदार हो। देखो तो यहाँ से आप साउंड को डाउनलोड कर सकते हो, और साउंड को डाउनलोड करना कोई बड़ी बात नहीं, आज के डेट में हर बच्चा जानता है। लेकिन अगर आप एकदम नए हो तो भाई मैं आपको बताता हूँ कि आपको सिंपल से क्या करना है, यूट्यूब पे सर्च कर लेना है, तो वीडियो को कैसे डाउनलोड करें ये भी आप सर्च कर सकते हो, लिख के बहुत सारे वीडियो आ जाएंगे, उससे सीख लो और यहाँ पर डाउनलोड कर लो। तो कुछ इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हो जो है वो अपना टॉपिक और सॉरी अपना साउंड इफेक्ट, और जैसे मैंने बताया एडिटिंग को लेकर वैसे ही आप एडिटिंग कर लो, ठीक है। तो बस यार आई होप आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और हाँ जैसे जैसे मैंने आपको प्रोसेस बताया वैसे ही आपको करना है, जैसे बताया वीडियो शूट करने को, जैसे बताया साउंड इफेक्ट लगाने को, जो बोला है वीडियो में। अगर नहीं समझ में आता तो वीडियो को फिर से पीछे करके देख सकते हो, और हाँ अगर आपको हर एक चीज अच्छे से प्रॉपर तरीके से समझ में आ गई हो अपने भाई की, तो भाई प्लीज यार लाइक करने में क्या जाता है, लाइक कर दिया करो, और चैनल पे नए हो तो यार भाई का सपोर्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राम।